राधे राधे संगवारी हो, कैसे हो आप सब? बने बने ना, आप सबके बहुत बहुत स्वागत है मुड़सी जी तड़का वन चैनल में। तो आज हम बनाथन करेला की सब्जी। तो ये सूखा करेला है, तो चलो एक हर विधि बताता। तो सबसे पहले करेला ले लेना है, एला छील लेना है, और छीले के बाद ना एला धो लेना है, और खर बाद में चीरा लगा के ओला हल्दी नमक पानी में भिगा के रख देना है। तो करेला ये 1 घंटा तक भीग चुके हैं हल्दी नमक में, फिर इसे इला एक पानी धो देना है। और बाद इला अच्छा से निचोड़ निचोड़ के बर्तन में निकाल लेना है। अगर आप सफ़र या फिर शीतला सप्तमी अष्टमी के नाम से बनाते हो तो कोशिश करो कि मैं पके करेला ना रहे, काबर ओला 2-3 दिन रखना रही थे और ये अच्छा से रह भी जाते हैं। तो अभी फिर मसाला की तैयारी, तो सबसे पहले फली ले लें और ओला भून लें। फिर कर भूनने के बाद इला मिक्सर पॉट में डाल के थोड़ा दरदरा पीसना है। तो एक बार चला, अब कढ़ाई में तेल गरम करना है और इसमें धीरे धीरे करेला डाल देना है। अगर ज़्यादा है तो ये 2 बार में तला ही, अगर कम है तो 1 ही बार में तल जाए। ये सबसे सरल उपाय है और बहुत झटपट बन जाते हैं। और घर बाद ये पूरा करेला तल चुके रही से, तो फिर एक बड़े कढ़ाई लेके वो करेला डाल, ये पहले जीरा डाल दें, फिर करेला डाल दें तले हुए, फिर सब मसाला मिक्स करना है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च आप कम ज़्यादा अपन हिसाब से कर सकते हो। फिर लास्ट में जो भुने हुए फलेरी से चूरा पिसे हुए वो लभी मिला दें, और सब लाभ अच्छा से मिक्स कर देना है। और 2-3 मिनट इला चलाते हुए सेक लेना है ताकि मसाला अच्छा से सब तरफ मिक्स हो जाए। नमक डाल के फिर से ला एक बार चला के अच्छे से भून लेना है। अब ये करेला की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, और हल्दी नमक पानी में डुबाए से इखर कड़वाहट भी नहीं रहा है। तो आप सब ला ये करेला की सब्जी कैसे लगी ज़रूर बताओ। और मेरे चैनल में जो नया है, मेरे चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपन दयामय बनाए रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग फिर से एक बार राधे राधे।